उनके साथ कठुआ से और उन्हीं के साथ हमारे कठुआ से तेज तरार युवा नेता अनुज भारती जी का धन्यवाद करता हूँ। नगरी से तमाम गाने वाने जितने भी जहाँ आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मधुसूदन जी कार्य रही और हमारे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव नहीं करवाए जाते थे, 2005 में चुनाव हुआ और उस म्युनिसिपैलिटी की बात करूंगा। ये जो म्युनिसिपैलिटी होती है, लोकल धारा होता है, उसके बाद हमारा काम होता है जनता की समस्याओं को उठाना और उनका हल करवाना और उसके साथ साथ ही नगरी की जनता से अलग अलग तरीके से टैक्स वसूल करना और उस टैक्स को नगरी में ही खर्च करना। तो मैं आज के मौके पे सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा बख्तावर सिंह जी, जो आज चेयरमैन की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा तो बखूबी निभाते हुए जो कार्य हमारे चल रहे हैं उनको गति देंगे और जो कार्य रह गए हैं उनको भी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं कमेटी के ईओ साहब से अपील करूंगा कि आगे की कार्रवाई शुरू करवाएं। करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज म्युनिसिपल कमेटी को एक नए प्रेसिडेंट श्री बख्तावर सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट आज एक ओथ सेरेमनी होने जा रही है। तो मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और इस सेरेमनी में स्वागत करें। सभी तालियों के साथ एक जोरदार स्वागत। बख्तावर सिंह नगर पालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगा। बख्तावर सिंह अध्यक्ष नगर पालिका परोल। सभी तालियों के साथ हमारे प्रेसिडेंट। भारत माता की। नए प्रेसिडेंट बख्तावर जी को मैं प्रेसिडेंट का कुर्सी की शपथ लेने की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उनको जितना भी इनका टेन्योर रहेगा इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में उम्मीद करता हूं कि वो नगरी म्युनिसिपल कमेटी की डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। वार्ड मेंबर या भी दो शब्द कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा गल कि साढ़े अज्ज चेयरमैन ने ओथ लई है बख्तावर सिंह ने
और ये पूरी निष्ठा करना है, पूरा काम करेंगे। जिहड़े नगरी विच काम रुके रहना, चार पांच काम है, बड़े बड़े प्लान है रखे रहे थे, और टाइम नहीं मिलने कारण अज बगतावर सिंह हुंदी उस दिन चार महीने बाद हुई है, हुण जिहड़ी कोई रड़क फड़क रही है काम की आप पूरे करके। और सानू बड़ी खुशी है कि बगतावर सिंह होरी अज उतले, सानू पता है बड़े पुराने लीडर ने बगतावर सिंह होरी, और चंगी भांति जानते हैं कि काम कियां कराया जाता है। और चलो अज माता रानी दे कन्या इंदी ओथ हुई है, मैं सारे मैंबरें मुड़ी रिक्वेस्ट करगा, अज कुछ मैंबर नहीं आया है, ये गल नहीं बनती है। जब एक साढ़े फैमिली है जिहड़ी म्युनिसिपल कमेटी चुनिया भेजदे मैंबर, एक फैमिली है, एक कट्ठी है रुके तो भाई काम चलग। मैं सारे सरकार का जब योगदान होता है तो बड़े बड़े काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। तो इस वक्त मैं इनवाइट करूंगा चेयरमैन बीडीसी खजान सर जी, ये आए दो मिनट के लिए शब्द कहें। ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, डेवलपमेंट कराएं, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और लोग कहते भाई इनकलाब आंदे गरीबे दी कुड़िए जा तो मुनारे देखदे रहंदे सारे। आज जेड़ी ने लोके दी आज ही सामने आज जी खत्म कर दिया यारो, लाया लोके के मिली यारो, लाया लोके के नीजो यारो, लाया उसे आज भी आज अपनी इनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बुजुर्ग नेता हैं तो हम सभी जानते हैं, जो नगरी म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन बने ये सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हमें दिली तौर पर चीज की खुशी है। तो हम एक ही चीज इनसे फोटो करेंगे कि एक छोटी राजनीति से उठकर इस गांव की डेवलपमेंट पे काम किया जाए। बाकी हम सभी लोगों का साथ आपके साथ रहेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे जीवन साथी बैठे हुए, धन्यवाद। पूरी बीजेपी जहाँ पे आई हुई है अपने चेयरमैन की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए, चार महीने से जो चेयर खाली थी आज बहुत खुशी हो रही है कि उस चेयर पर बैठने वाले आज बैठ जाएंगे। जब मैं चेयरपर्सन बनी उस समय मैंने देखा कि नगरी में किसी भी चीज की डेवलपमेंट नहीं थी। मैंने अपने काउंसलर्स के साथ सलाह की कि पहले क्या करना चाहिए। सभी ने मुझे ये राय दी कि मैडम जी गलियां नालियां तो बनती रहेंगी, कोई ऐसा काम करके जाएंगे ताकि लोग याद रखेंगे कि कोई कमेटी बनी थी तो कुछ किया उन्होंने। मैंने अपने समय के जितने भी काम रखे वो सब इस समय चल रहे हैं और कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं। उसमें दो काम जो मैंने रखे थे और वो अभी तक नहीं हुए। एक काम मैंने रखा था कि यो फुटब्रिज है हमारा, वहां पे सुबह और शाम को बहुत भीड़ रहती है। आज बगतावर जी ने शब्द ग्रहण की है, बहुत बहुत मुबारक बगतावर जी को और पूरे नगरी काउंसिल कमेटी को कि आज इनका जो सपना है वो पूरा हुआ है। यहाँ आए हुए हमारे साथ प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी, हमारे रविंद्र शर्मा जी मंडल प्रधान, और जहाँ जितने भी आए हुए कॉर्पोरेटर, बहुत ही आज खुशी की लहर है। इनमें तो मैं यही कहूँगा सब मिलके पहले जैसे शशिकांत जी रहे अच्छा काम किया, अनिल जी रहे अच्छा काम किया, आप ये और अच्छा काम करके अपना नाम कमाएं, अपने पूरे नगरी में अपना नाम रोशन करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि एकजुट होकर ये नगरी के विकास को और आगे लेके जाएं, कि जो भारत सरकार का संदेशा है कि हमारे जितने भी पंच से लेकर सरपंच तक डीडीसी हो, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल के कॉरपोरेटर हो, काउंसलर हो, चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन, सब हम कार्यकर्ता हम एकजुट होकर हम जो मोदी साहब का सपना है जो भारत को नंबर वन लेके जाना है, वैसे तो नंबर वन पे है ही भारत, तो इसका डंका और दुनिया में बहुत जोर शोर से बचाना है। हमारे संगठन में इतनी ताकत है कि आज हम सब मिलके चारों तरफ विकास ही विकास आपने देखा होगा। तो आज इन्होंने जो शब्द ली है उनके पास जितना भी समय है
तो मैं कहता हूँ समय का पूरे दम खम से ये प्रयोग को लाए उसको और नए नए अच्छे प्लान बना के लोगों को जो जितने भी प्रोमिनेंट यहाँ के लोग रहते हैं जहाँ उनसे मशवरा करके सब मिलजुल के पूरी काउंसिल इस काउंसिल को चार चांद लगाए और ये काउंसिल सबसे अच्छी काउंसिल जो कहे कही जाती है और बढ़िया कही जाए और आने वाले इलेक्शन वो कब होते हैं जब बाद में होते हैं उनको दूर अंदाज करके आज जो इलेक्ट हुए हैं जी ये मिलके पहले काम करें। और कठुआ जो डीडीसी के ऑनरेबल वाइस चेयरमैन रघुनंदन बबलू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल महाजन जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हमारे आंदोलन के नेता, जिस तरह से हमारे पहले वक्ताओं ने बताया है, हमारे बड़े भाई जनक भारती जी, अभी नाम लेना चाहूंगा तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि टाइम की काफी अभी कमी भी है, मेरे जितने भी ऑनरेबल काउंसलर्स हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए या बख्तावर जी को जिताने के लिए काम किया है उन सबको दिल से शुक्रिया। और एक बार फिर से बख्तावर जी को जय श्री राम और आने वाला टाइम इनका बहुत ही अच्छा गुजरे, मैं इसी के साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिस कुर्सी के लिए आप चार महीने का दिया कर रहे थे वो समाप्त हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी बीजेपी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो मेरे वरिष्ठ नेतागण हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कठुआ के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो हमारी नगरी की जनता है उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी जनता का कि जिन्होंने मुझे अपना विश्वास देकर और मेरे जितने भी 13 के 13 काउंसलर्स हैं मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच पीछे एक्स प्रेसिडेंट हमारी मिस मैडम शशिकांता मैडम जी रही, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य निकाला, रल मिल के और सभी के साथ सहयोग करके निकाला और बहुत मज़े से निकला उनका भी टेन्योर। उसके बाद हमारे आए श्री अनिल दोत्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना टेन्योर निकाला, सभी काउंसलर को साथ लेकर चले और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे काम करवाए। उसके बाद पार्टी ने मेरे पे विश्वास जिताया, आज पार्टी ने यह साबित भी करके दिखा दिया कि बख्तावर सिंह को नगरी म्यूनसिपल कमेटी के अध्यक्ष पद की चेयर पे बिठाना है, आज पार्टी ने बना दिया, जैसा पार्टी की देन है और मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमेशा पार्टी के कार्य में ही व्यस्त रहता हूँ और पार्टी के हर आदेश का पालन करता हूँ। रही बात जनता की, तो जनता हमारे साथ है, नगरी में हमारे जितने भी भाई हैं बहन हैं बुजुर्ग हैं सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं मैं। डेवलपमेंट की बात है तो हमारे जितने भी पीछे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं जितना उन्होंने किया उससे मैं ज़्यादा छोटा मुंह बड़ी बात होती है, ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जितना होगा हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं इस नगरी टाउन के लिए इस म्यूनसिपल कमेटी के लिए अपनी हर कोशिश को कामयाब करूंगा और जो मेरा पार्टी का पीछे नेतृत्व चल रहा है वो मेरा सहयोग करेगा और मैं नगरी की तरक्की के लिए और अपने म्यूनसिपल कमेटी के लोगों के लिए काम करूंगा, अच्छा करूंगा। जातिवाद की राजनीति आज समय आ गया है कि जातिवाद की राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि दुनिया बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है दुनिया, सब जानते हैं आजकल नेट का सिस्टम है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जी कहा कि 13 पार्षदों ने मिलकर आपको इस चेयर पर बिठाया जी, सर्वसहमति से आप चेयरमैन बने हैं, पिछले 4 महीने से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जल्दी वो हो और आप जल्दी कुर्सी पर बैठे जी जी, लेकिन एक चीज माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हालांकि आपने विकास की बात कही है तो विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है, विकास पेंडिंग रहा है चाहे वो जी आगे जाके आप काम करेंगे देखिए, लेकिन सवाल यह है कि
आपने 13 पार्षदों की बात की है, लेकिन आज कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे ऐसे पार्षद थे वो नगरी आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, क्या वजह रही? हो सकता है कुछ अपनी अपनी परेशानी होती है, क्योंकि आजकल फसल का टाइम है, धान की रुपाई हो रही है, कोई बिजी होंगे अपने अपने काम में, क्योंकि किसी ने अपने मजदूर लगाए हैं तो काम भी देखना है। मुझे फ़ोन आए सभी के, हर काउंसलर ने मेरे को फ़ोन किया है कि बुक्ताब जी हमें ऐसा काम है, कोई ना कोई का अपनी उन्होंने मजबूरी बताई। दूसरा, आज उसके कारण जब आप ओथ ले रहे थे उसके बाद आपने बार बार एक बात बोली है जी, कि जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी जी, तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी जातिवाद की जा रही है मौजूदा चेयरमैन के साथ जी, या किसी पार्षद के साथ? देखिए खुल के बताएंगे, ये समय की पुकार है जी, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारा नेतृत्व बैठा है श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने एक हिंदुस्तान में, आपको क्यों लगता है कि जातिवाद को लेकर बाबर आपको अपनी बात रखनी पड़ रही है? जी जी जी, जातिवाद को इसलिए बोल रहा हूँ कि समय की बात है, कि समय जो है हर मजहब को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी बात हुई, देश आजाद हुआ, तो क्या हिंदुओं ने साथ नहीं दिया था, सिखों ने साथ नहीं दिया था, एससी ने साथ नहीं दिया था, कौन सी कास्ट है जिसने साथ नहीं दिया था, सब ने साथ दिया था। और हम उसी झंडे पे चलते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और हम यही चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक झंडे के नीचे काम करे और झंडे के साथ चले। यही बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए नगरी में, खेल मैदान की बात करें, अगर बुजू केनाल की बात करें जी, तो 3-4 महीनों में आप कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कम समय है, और इसका देखिए आने वाले दिनों में सूत्रों की खबर है कि जल्दी चुनाव होने वाले हैं। कहते हैं कि मेरे छोटे भाई एडवोकेट सुरजीत सिंह जी ने नीचे जब स्पीच कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि एक दिन का सीएम हमने पिक्चर देखी थी। चलो मैं वो सीएम तो नहीं बन सकता, लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई चेयरमैन बन के दिखाऊंगा, ये मेरा प्रयास होगा। हम तो तक क्या संदेश देना चाहते हैं नगरी की नगरी जनता को, जो बड़ी पिछले काफ़ी समय से परेशान है, 3-4 महीने से उनके पास कोई प्रधान नहीं था जी, नगरी का कार्य को लेकर। देखिए जो 4 महीने हमारी जनता एरास हुई है काम के लिए, किसी को सिग्नेचर करवाने होते हैं चेयरमैन के, किसी को बीसों काम पर रहते हैं और आते हैं चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन की पोस्ट जो थी खाली थी, और 4 महीने में मुझे लगता है कि जहाँ हमारी एलजी सरकार, जहाँ कुछ हमारे क्लर्कर जो हमारा सिस्टम है उसकी कमी से, हमारे जो सिस्टम में कमी आई उसकी वजह से ये 4 महीने लेट हुई है हमारी ओथ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आज मुझे बिठाया मेरी पार्टी ने और मेरे साथियों ने, मेरे नगरी वालों ने, सभी ने बिठाया, मैं अपना प्रयास करूँगा कि हर समय डे एंड नाइट जनता की सेवा करूँगा और तन मन धन से करूंगा, जैसा भी होगा मैं प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत। दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है, और सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता, किसी जमाने में हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे बख्तावर सिंह जी, जिनको बहुत देर से मैं जानता हूँ, आज वो नगरी टाउन के चेयरमैन बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, और मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से समर्पण भाव के रूप में काम करता है, आज बख्तावर सिंह जी को नगरी के लोगों ने, नगरी के जो हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने चेयरमैन बनाया था पिछले 2-3 महीने पहले, तो आज उनकी शपथ ग्रहण समारोह उनका यहाँ पर हुआ है। मैं अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं, और आशा करता हूं बढ़िया तरीके से नगरी के लोगों की सेवा करेंगे, और एक सबको साथ लेकर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, उस मंत्र को के ऊपर काम करते हुए नगरी के लोगों की सेवा करेंगे। और हमारे जो पुराने चेयरमैन रहे हैं अनिल सिंह जी और हमारी शशिकांता जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले चेयरमैन हैं, इनसे पहले उन्होंने जो काम इस नगरी क्षेत्र के लिए करे हैं, उन कामों को आगे बढ़ाते हुए और गति के साथ नगरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल करेंगे, और जितने भी डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखिए ये एक प्रोसीजर रहा है, तो क्या लगता है कि प्रशासनिक कमी नहीं है या राजनीतिक, ऐसा नहीं है, कुछ प्रोसीजर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रही है, लेकिन आज मैं कहूँगा, वो कहते हैं ना कि जो समय आने पर जो काम होना चाहिए आज हुआ है, और आज बख्तावर सिंह जी इस नगरी क्षेत्र के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ऑफिशियली उन्होंने ओथ ली है, तो आज मुझे लगता है बहुत खुशी का दिन है। पिछले
समय में कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निपटारा हुआ है और आज हमारे बहुत ही गरीब परिवार से एक साधारण हमारा कार्यकर्ता इस नगरी क्षेत्र का चेयरमैन बने हैं। तो मैं अपनी तरफ से और आप सब, क्योंकि आप भी नगरी के रहने वाले हैं, आप सबकी ओर से भी उसको बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि वो पूरे समाज में जो आज इतने बड़े बड़ी पोजीशन पर उनको बिठाया है, तो कहीं ना कहीं उस पर वो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा पार्टी का विकास की बात करें तो वो तस्वीरें दिख रही हैं। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ जो वो नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले भी हमारा चेयरमैन था, उससे पहले भी हमारा चेयरमैन था, शशिकांता जी हमारी चेयरमैन रही है, अनिल सिंह जी हमारे चेयरमैन रहे हैं। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता नगरी क्षेत्र का चेयरमैन बना है और एक गरीब परिवार से है, तो कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद उसको था तभी वो चेयरमैन बना है। तो मुझे ऐसा नहीं, मैं बात, आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के पीछे हमको जाना चाहिए। सबका आशीर्वाद था तो ही आज हमारे बख्तावर सिंह जी नगरी क्षेत्र के चेयरमैन बने। वो उनके अपना वक्तव्य है, उनका कहने का ये, मैं तो यही समझूंगा, ये तात्पर्य है कि सबको साथ लेके वो चलेंगे, किसी जाति जात बिरादरी को अंदर घुस के वो चीज़ें नहीं करेंगे, सबको साथ लेके वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र पर वो काम करने का प्रयास। आप जिला प्रधान है, कठुआ की कमान संभाल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं नगरी के पार्षदों को ताकि एक और कार्य कर सके और नगरी का विकास कर सके और नगरी की। अरे, मैंने पहले ही कहा राज जी कि बख्तावर जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और एक साधारण परिवार से हैं और मुझे लगता है कि वो सबको साथ लेकर इस नगरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। और मैं सबसे कहना भी चाहूँगा कि हम लोग बख्तावर के ऊपर अपना आशीर्वाद जो है उसको दें और वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें ताकि आने वाला जो समय है वो और बेहतर हो नगरी के लोगों के लिए। जो डेवलपमेंट के जो कार्य हमारे पुराने जो चेयरमैन थे अनिल सिंह जी, हमारी जो शशिकांता जी, उन्होंने जो किया, हमारी जो पुरानी टीम ने किया है, वो भी मिलकर आगे नगरी क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर बख्तावर सिंह को औथ के बाद आज कुर्सी मिल चुकी है, पद मिल चुका है और लगातार सेवा करने के लिए अब अग्रसर रहेंगे। इसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सैनी जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि पार्षद को बनाने में, प्रधान को बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है इस मामले को लेकर। तो उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगे नगरी के विकास के विकास को लेकर किस तरह की रणनीति है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत कम समय है, आगे का जो विकास है वो बड़ा कम समय है इनको मिल पा रहा है, 3-4 महीने ही है, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आने की बात कही जा रही है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। जी पहले तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर में। पहला प्रश्न यही होगा कि आज जो आपने एक सिस्टम बुना था जिसको लेकर आप पीछे काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे थे, आज देखा जा रहा है कि आज बख्तावर सिंह जी को आपने औथ देकर बिठा दिया है चेयर पर, तो क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति रहेगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि बड़ा कम समय है नगरी के पास, चेयरमैन बख्तावर सिंह के पास नगरी की डेवलपमेंट करने के लिए, तो अब क्या रणनीति रहेगी? धन्यवाद राजकुमार जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। देखिए राजकुमार जी, जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है तो आपको पता ही है, आप सभी जानते हैं कि 2005 में भी इलेक्शन हुआ था और बख्तावर सिंह जी जीत के आए थे और अब 2018 में मौका मिला, हम भी जीत के आए, लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी कि बख्तावर सिंह जी को एक बार ज़रूर चेयरमैन बनाना है। तो हमारी बदकिस्मती कि हमारे 5 ही पार्षद जीते और हमें मौका नहीं मिला, 2 को ज्वाइन करवा के, हम 3 को ज्वाइन करवाया, 8 हुए, मैम को चेयरमैन बनाया। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद की लेकिन बात ना बन सकी और बख्तावर जी को मौका नहीं मिला। लेकिन अब जो पिछले साल आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो मैं सभी पार्षदों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी बात को समझा और नगरी की तरक्की और खुशहाली के लिए बख्तावर सिंह जी को मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरी नगरी की जनता को और कठुआ की जनता को भी विश्वास दिलाऊंगा कि बख्तावर सिंह जी ईमानदारी के साथ कस्बे की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि अब सिर्फ 3 या 4 महीने जो बाकी रह गए हैं, उसमें कहने के समय बड़ा कम है,
जिस विकास की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रुके हुए नगरी में, उसको लेकर क्या जाएंगे? देखिए राजकुमार जी, राजनीति में कहावत है कि जब किसी को मौका मिले काम करने का तो जितना भी काम हो सके उसको करना चाहिए। तो मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि बख्तावर सिंह जी अपने काम पे खरा उतरेंगे और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ नगरी की तरक्की के लिए कार्य करेंगे। एक चीज, छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि देखा जा रहा है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री बड़े मंच पर होते हैं तो एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हालांकि 5 वर्षों में सबका साथ तो दिखा नहीं, विकास जरूर दिखाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज फिर जब ओथ हुई है तो वही कुछ पार्षद दिखे हैं, बाकी पार्षद कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, क्या चक्कर आए, क्या क्या कहते हैं इसको लेकर? इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये पूरे टोंक की तरक्की और खुशहाली के लिए सरकार करवाती है। ये लोकतंत्र में थर्ड टायर सिस्टम कहते हैं इसको, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें मौका जो है डेवलपमेंट करवाने का सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई 10 साल से राजनीति में है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है। तो क्या लगता है कि कुछ पार्षद आपसे नाराज हैं जो आपकी पार्टी के हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाराज हैं, वो नहीं चाहते थे कि बख्तावर सिंह जी चेयरमैन बने, लेकिन मैंने बख्तावर सिंह जी को जब हम जीते थे तो उसके 10 दिन के बाद ही कह दिया कि बख्तावर सिंह आपको एक बार जरूर चेयरमैन बनाया, और आज मुझे अपने पर फख्र है कि मैंने वो अपना कही बात पूरी कर दी। और चेयरमैन जो कि अपने आप को ऐसे समझते थे कि अब हम हैं, हम दोबारा नहीं जाएंगे, उनको उतारने का हमने प्रयास किया, और जिन मेंबरों ने हमारा साथ दिया उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और नगरी की जनता को अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में जब भी आप वोट करें, एक ईमानदार नेता को वोट दें जो कि नगरी की तरक्की के लिए बात करे, कार्य करे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक चीज़ और दिखी जा रही कि 3-4 महीने का इतना लंबा समय रहा है चेयरमैन चुनने के बाद भी वो काफ़ी लंबी हो रही है, क्या लगता है कि ये राजनीति साजिश थी या प्रशासनिक कमियां थी जिसको लेकर इस तरह की ओथ नहीं करवाई गई? देखिए इसमें राजकुमार जी मैं कहूँगा कि जो हमारे प्रशासन है उसमें अधिकांश ऑफिसर जो हैं वो बाहर से हैं, और इस समय सेक्रेटरी जो है वो श्रीनगर में है, वो ठंडी हवाओं में मस्त रहते हैं और जनता के कार्यों की तरफ कम ध्यान देते हैं। इसलिए मैं जम्मू की लीडरशिप से अपील करूंगा कि इन नेता, इन ऑफिसरों को, इनकी कुर्सी को थोड़ा हिलाएं ताकि ये जनता के कार्यों की तरफ ध्यान दें। अभी आपने देखा है कि मेरे साथ राकेश सैनी वार्ड नंबर 10 के पार्षद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतना लंबा समय जो गायब रहा है वो प्रशासनिक अधिकारियों की कमी का रहा है, क्योंकि इन दिनों राजधानी जो है वो कश्मीर रहती है, श्रीनगर रहती है, जिसके लेकर ज़्यादातर अधिकारी जो है वो कश्मीर में रहते हैं, जिसे लेकर इस ओथ को कराने के लिए 3-4 महीने का समय लगा, ठंडी हवाओं में मस्त रहा, ये आरोप लगाते हुए राकेश सैनी ने बात कही है। हालांकि उन्होंने सबको साथ लेकर सबका विकास करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितनी अहम भूमिका जो है वो बख्तावर सिंह निभाते हैं और अन्य पार्षद जो है वो कितनी खींचातानी करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नगरी के विकास को लेकर, नगरी म्यूनसिपल कमेटी के विकास को लेकर कहीं ना कहीं खींचातानी रहती है, और आगे की तस्वीरें क्या वो दर्शाती हैं ये आपको आने वाले समय में ही बताएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।